Commissioner. ये गोली, ये तो मेरे अंतिम युद्ध की शुरुआत है बाबा। उस दिन खंजर चले थे, आज गोलियां। अब तो सिर्फ गोलियां चलेंगी, खून बहेगा। बेटे। हाँ बाबा, जिसने मुझसे मेरी माँ की चिता को अग्नि देने का हक छीन लिया था, वो मुझे मिल गया। मेरी तलाश खत्म हो गई, वो चेहरा इन आंखों को नजर आ गया बाबा। कौन? कल का शमशेर, आज का संपत। नहीं बेटा नहीं, मैंने सुना है कि वो इस शहर में जुर्म की बहुत बड़ी ताकत का दूसरा नाम है, उससे मत खेलना, नहीं तो जल जाएगा तू। जिसने हर रोज जलती हुई चिताएं देखी हो, वो जलने से क्या डरेगा। जल तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन इसी तरह मेरी माँ की चिता जली थी। जल तो मैं उसी दिन गया था जिस दिन मेरे बापू का खून हुआ था। मगर बड़ी बड़ी कुर्सियां, MP, MLA, वकील, कानून सब उसके साथ है। और बचपन से पाला हुआ मेरा इंतकाम मेरे साथ है। ये तूफान तो थम गया, लेकिन मैं जानता हूं तेरे अंदर का तूफान थमने वाला नहीं। उसे बांधने के लिए तुझे ताकत की तलवार का नहीं, दिमाग की ढाल का इस्तेमाल करना होगा। उसने तुझे जिंदगी में इतने जख्म दिए हैं और तू उसे एक ही बार में खत्म कर देना चाहता? नहीं बेटा नहीं, इतने पार कर कि उसके टुकड़े गिनने वाला भी कोई ना हो। जिस तरह दीमक बड़े से बड़े पेड़ को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है और एक हल्का सा झोंका उसे जमीन में मिला देता है, तू भी वही अंजाम कर अपने दुश्मन का। तेजाब बन के फैल जाओ उसकी जड़ों में, ताकि वो देखते ही देखते राख का एक ढेर बन जाए। सर, इस नए इंस्पेक्टर की आंखों में हमें अपने लिए शक के डोरे नजर आने लगे। इससे पहले कि वो शक यकीन की हथकड़ियां बनकर हमारी तरफ बढ़े। पता है हमको, इसीलिए अब की बार हमने अपने कंटेनर्स बॉम्बे की बजाय मद्रास की गोदी पर मंगवा लिए हैं। लेकिन सर, वो सोने की डिलीवरी? वो भी हो जाएगी, ट्रक्स के जरिए कंटेनर्स यहां पहुंच जाएंगे। गोल मार्केट के तमाम लोगों को खबर कर दो कि सोना परसों मिल जाएगा। बोल रहा है वही जिसने तुम्हारे मद्रास से आते हुए कंटेनर को तुम्हारे स्टेशन की बजाय अपने स्टेशन पर रोक लिया। कौन सा स्टेशन? जहां से तुम्हारी बर्बादी की कहानी शुरू होती है। यह तो आंख में चोली की शुरुआत है सेठ, अभी तो इतने नुकसान सुनाने हैं कि तुझे एहसास होने लगेगा कि वाकई कोई तुझसे तेरे पुराने कर्मों का हिसाब कर रहा है। मैं पूछता हूं कौन है तुम? संपत, शेर अगर बाजू पर पंजा मार जाए तो उसकी ताकत से टकराना नहीं, घबराना चाहिए, समझे? संपत सेठ, आप यहां? मद्रास से आने वाला मेरा एक कंटेनर बीच रास्ते में चोरी हो गया है इंस्पेक्टर, उसी की रिपोर्ट दर्ज करने आया हूं। 24 घंटे के अंदर अंदर आपका चोरी किया गया माल
आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। वेलकम। सुनो, उस कंटेनर के पास तुमने किसी को देखा है? जी नहीं सर। यहाँ आसपास और कोई रहता है? रेलवे ट्रैक के उस पार एक शमशान साहब। ठीक है, तुम जा सकते हो। कोई है? तुम यहां? मैं यहीं रहता हूं अपने बाबा के साथ। कमाल है, कभी तुम सड़क पर मिलते हो और कभी शमशान में। साहब, अंजाम तो हर इंसान का शमशान ही है। हर इंसान यहाँ आकर रुक जाता है, मगर आप यहाँ कैसे रुक गए? रेलवे ट्रैक के उस पार रुके, कंटेनर ने रोक लिया। जरूर किसी चोर की कारस्तानी लगती है साहब। उसी चोर को तो ढूंढने आया हूँ। तुमने किसी को देखा है? कोई नजर तो नहीं आया। अगर नजर आ जाए तो पास के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दो। यही कहना चाहते हैं ना आप? हर पुलिस वाला यही कहता है, बचपन से यही सुनता आ रहा हूँ। मगर ये चोर कुछ अजीब था। उसने कंटेनर तो चुरा लिया, मगर ना ही उसे खोला और ना ही अंदर से कुछ चोरी की। कोई ईमानदार चोर होगा साहब। साहब, जब उसने कोई चोरी नहीं की तो वो चोर कहाँ का? अरे साहब, जिसका ये माल है उसे वापस कर दो। आपका भी रिकॉर्ड साफ और उस चोर का भी। अरे साहब, इन उंगलियों पर मत जाना, इन उंगलियों पर मत जाना। तुम्हारा ये अंदाज भी पसंद आया। संभालिए साहब अपनी कानूनी आंखों को और इस विष्णु को भी, क्योंकि कानून की आंखों पर काली पट्टी होती है और हाथों में हथकड़ी। भाई, हथकड़ियां तो उन्हें ही लगती हैं जो इनके हकदार होते हैं। कंटेनर से सोना गायब सर। हम समझ गए, ये वही आदमी है जो हमारे ही हथियार से हमें मारना चाहता है, जो हमारे पुराने नाम को भी जानता है और हमारे नए नाम के साथ हमारी दुनिया को। हेलो, बाजार में कोई आदमी सोना कचरे के भाव बेच गया। सर, कोई अनजान आदमी करोड़ों का सोना बाजार में कचरे के भाव बेच गया। क्या, सोने का भाव गिर गया? हेलो। यस। व्हाट? क्या? जानता हूं बाजार में सोने का भाव गिर चुका है। जिस तरह आज मैंने सोने का भाव गिराया है, कल तेरा पापी शरीर भी गिरा दूंगा। हिम्मत है तो अपना नाम बता। नाम बता अपना। तुम्हारा नाम मिटाने से पहले तुम्हें अपना नाम जरूर बताऊंगा। आखिर तू चाहता क्या है? सिर्फ तेरा नाश। आज तेरी दौलत का पहला सिफर मिटाया है, आहिस्ता आहिस्ता सारे सिफर मिटा दूंगा और फिर तुझे भी। अरे विष्णु, तू किधर है यार? मालूम है तेरे को किधर किधर ढूंढा? क्यों? आज अपने विष्णु के वास्ते एकदम शानदार जानदार स्पेशल शाही खाना बनाया है। शाही दाल, शाही पनीर, शाही बिरयानी। छोड़ना अपना ये शाही भाषण, मेरे को खाना खाने दे। मालूम है, कल रात मैंने एक सपना देखा। सपना? हाँ, मैंने देखा तू मेरे सामने बैठा है और मैंने ऐसा शाही स्पेशल खाना परोसा है ना। पूरे ढाबे वाली सपने में भी दाल रोटी देखती है। चुप, तू आगे तो सुन, तेरी आंख की गोटी बाहर आ जाएगी। मुखोल। मैंने ऐसे उठाकर तुझे एक निवाला दिया, मुखोल खा। मैंने फिर निवाला तोड़ा और तुझे दिया, मुखोल खा। फिर क्या हुआ? फिर आंधी आई, बादल गरजे, टिप 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 टिप, बारिश हुई, तू भीगा, मैं भीगी, तू आगे आगे, मैं पीछे पीछे, तू शर्मा गया, मैं शर्मा गई, फिर शर्मा शर्मी शर्मा शर्मी शर्मा। शर्मा जी रुक जाइए, मैं गिर जाऊंगा, यहाँ खाई है। तो गिर जा ना, सपने में भी तो गिरा था। शाही खाने में गड़बड़ है पारो। कोई गड़बड़?
गड़बड़ नहीं है। चाय खाने में गड़बड़ है पारो। नहीं तो चाय खाने में गड़बड़ है पारो। कोई गड़बड़ नहीं है। चाय खाने में गड़बड़ है पारो। कोई गड़बड़ नहीं है विष्णु। चाय खाने में गड़बड़ है पारो। गड़बड़ है चाय खाने में गड़बड़ है पारो। तुम्हें और लेकर आती हूँ। चाय खाने में गड़बड़ है पारो। वो हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई जी। क्या गड़बड़? वो हमने खाने में एक की बजाय नशे की दो दो पुड़िया मिला दी। अबे दो की बजाय पारा नहीं मिला सकता था। नहीं। देख कितने मूड में है। चाय खाने में गड़बड़ है पारो। चाय खाने में गड़बड़ है। हाँ। अबे कदे कहीं के गड़बड़ है। चाय खाने में गड़बड़ है पारो। चाय खाने में गड़बड़ है पारो। गड़बड़ तो हो गई। पारो पारो कहाँ है? वो तो अंदर है। एक गड़बड़ है विष्णु भैया। अंदर मत जा। अंदर ओ पारो पारो। लगता है कल का नशा अब तक उतरा नहीं। नशे की बच्ची अंदर क्या कर रही है? बाहर निकल। मैं नहा रही हूँ मगर तेरे से काय की शर्म। मैं अभी आई।